नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश धर्मशाला थोड़ी है, जिसकी मर्जी आई वो रह रहा है। और यहाँ सत्ताधारी गठबंधन हेमंत सोरेन का वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं और उनको वोट मिलते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण करते हैं। यह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन, ये जल, ये जंगल, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये पहाड़, ये खेत, ये हमारे हैं और हम इन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। हमको जगना ही होगा। इस सरकार ने पेसा एक्ट लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं रहा हूँ 4 बार और मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू करके मैंने पूरे नियम बनाकर दिखाए हैं। पैसा एक्ट क्यों लागू नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची के आधार पर लागू करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लागू नहीं किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपनी अद्भुत परंपराओं का, जो हमारे प्राण है, हमारी पहचान है, उनका पूरी ताकत से संरक्षण किया जाएगा। अरे ये देश धर्मशाला थोड़ी है, जिसकी मर्जी में आज वो ही रह रहा है। और सत्ताधारी गठबंधन हेमंत सोरेन का वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं और उनको वोट मिलते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण करते हैं। ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये देश हमारा, ये धरती हमारी है, ये जमीन, ये जल, ये जंगल, ये नदियां, ये पर्वत, ये पहाड़, ये खेत, ये हमारे और हम इन पर और किसी का कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमको जगना ही होगा। इस सरकार ने पैसा एक्ट लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं 4 बार और मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू करके पूरे नियम बना के मैंने दिखाया। प्रदीप पटेल हमारे वहां के विधायक यहां बैठे जानते हैं। पैसा क्यों लागू नहीं होना चाहिए? हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची के आधार पर लागू करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने लागू नहीं किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपनी अद्भुत परंपराओं का, जो हमारे प्राण है, हमारी पहचान है, उनका पूरी ताकत से संरक्षण किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय जगत। धन्यवाद।